सो द टॉपिक इज फ्रंट ऑफ थाई पार्ट टू। इस टॉपिक में हम बात करेंगे डी फेसिया या फेसिया अटैक। डी फेसिया अटैक फेसिया अटैक क्या है? फाइब्रस टॉप मेम्ब्रेन, टॉप फाइब्रस मेम्ब्रेन है जो पूरा थाई को कवर करता है, पूरा थाई को कवर करता है, कहां से? ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब एंटीरियर कंपार्टमेंट को, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को, मीडियल कंपार्टमेंट को, सारे को कवर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डी फेसिया और द फेसिया लाटा। ठीक, अब फेसिया लाटा के अटैचमेंट देखो, ठीक है ना, अटैचमेंट ऑफ फेसिया लाटा। सो दिस इज द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर नोच, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन एंड दिस इज एसीटाबुलम एंड दिस इज ऑब्टुरेटर फोरामेन। ग्रेटर सियाटिक नोच, लेसर सियाटिक नोच, प्यूबिस एंड दिस इज इस्सियम। ठीक, तो अटैचमेंट ऑफ फेसिया लाटा अटैचमेंट कहां होती है आपके? एंटीरियर इंग्वाइनल लिगामेंट बिटवीन द इस्सियम, एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन, प्यूबिस, लैटरली इलियाक क्रेस्ट, पोस्टेरियरली सैक्रम, कॉक्सिस, सैक्रोट्यूबुलस लिगामेंट एंड मीडियली द प्यूबिस, प्यूबिस आर्च एंड द इसियल ट्यूबुलोसिटी। सुपीरियरली, इंफीरियरली जाओगे यहां पे, सो दिस इज द femur, tibia and this is the fibula. So the lateral condyle of tibia, the inferior superior kahan karte hain yahan se? Pubic tubercle, anterior superior spine, inguinal ligament, laterally iliac crest, posteriorly sacrum, coccyx, sacrotuberous ligament and medially is the pubic tubercle, pubic arch and ischial tubercle. Inferiorly, anterior surface of the lateral condyle of tibia. So this is the extension of the fascia lata which covers the whole of the thigh. And the modification of fascia lata. Laterally, जो fascia lata है वो क्या होगा? Modified होगी, thickening हो जाएगी. So it form a modification laterally, it modified to form a iliotibial tract. That is a modification of deep fascia. So deep fascia क्या होगी? Hip bones और tibia के बीच में lateral side में thickening हो जाएगी, वो क्या बन जाएगी? Iliotibial tract. तो iliotibial tract है superiorly split, दो जगह से attachment होती है. ठीक, तो superiorly यहां पे होती है, बाहर देखोगे टूबरकल, एक्सटर्नल इलियक टूबरकल एंड दिस इज द सुपरफिशियल फाइबर ऑफ द फेसिया लाटा और इलियोटीरियल ट्रैक एंड द डीप फ्रॉम द कैप्सूल ऑफ द हिप ज्वाइंट, दिस इज द कैप्सूल ऑफ द हिप ज्वाइंट एंड दिस टू फाइबर join together and laterally, so it form a iliotibial tract. So this is known as the iliotibial tract and its insertion kahan hoti hai? Anterior surface of the lateral condyle of tibia. The anterior surface of lateral condyle of tibia, isko bolte iliotibial tract. Theek hai, so this is known as the iliotibial tract. It is formed by the modification of deep fascia, so having a two sleeve, superficial sleeve and the deep sleeve. Iski importance kya hai? It provide the insertion of two muscles. One muscle is a
टेंसर फेसिया लाटी मसल, टेंसर फेसिया लाटी मसल। And the second muscle is a gluteus maximus. Gluteus maximus. So it provides an attachment of two muscles, the tensor fasciae lati muscles and the gluteal maximus muscles. And see the iliotibial, right. दूसरा काम से क्या होता है, इट स्टेबलाइज द नी ज्वाइंट। नी ज्वाइंट को कैसे कर करते हैं, दैट इज अ सेमी फ्लेक्शन, हल्का आप पैर को ऊपर उठाते हो उस पर क्या करती है, नी ज्वाइंट को स्टेबलाइज करती है। जब स्टैंडिंग करा करते हो एक पोजिशन में खड़ा होते हो तो एक्सटेंशन कंडीशन में क्या करती है, नी ज्वाइंट को स्टेबलाइज कर देता है। इलियोटिबियल ट्रैक, ये कौन सी है, लैटरल कोंडाइल ऑफ हील, लैटरल कोंडाइल ऑफ हील। सो दिस इज द डी फेसिया कंसीडर द इलियोटिबियल ट्रैक इज फॉर्म बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ डी फेसिया। Thank you for watching this video.